नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनग्रा वर्षा ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8 इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस इकाई का आज हम अभ्यास करेंगे। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अबुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस इकाई का सरल भाषा में गुजराती में भाषांतर करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना। ते डॉक्टर पांचमा धोरण में भणता हता। तेमना एक शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों ने रामेश्वरना समुद्र तटे लई गया। त्यां तेमणे पक्षीओनी उड़वानी क्रिया बतावी। बाळक कलाम आ जोईने खूब प्रभावित थया। भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण। भाषा तरफ डॉक्टर कलामनो दृष्टिकोण एटले के एमनुं मानवुं एवुं हतुं के शिक्षणनुं माध्यम मातृभाषा ज होवुं जोईए। कारण के विद्यार्थी जे भाषा में विचारे छे तेमां ज ते पोतानी वात सारी रीते प्रगट करी सके। विश्व स्तरे संपर्क जाळवा माटे अंग्रेजी जेवी विदेशी भाषा पण जाणवी जरूरी छे। जीवन में सफल होने का यंत्र। तो जीवन में सफल थवानो मंत्र कलामनो केवो हतो? कलामनो विचार एवुं छे के आपणे जे विचारीए छीए के तमारे शुं बनवुं छे, लक्ष्य निश्चित थई जाय त्यार पछी तेमा दिशामां कठोर परिश्रम करवाथी अने तेमा आवनारी मुसीबतो ऊपर विजय मेळवाथी जीवनमां सफळता मळे छे। सामान्य आर्थिक स्थितिमां बाळको पण सखत परिश्रम करीने अने साहसथी आगळ वधीने मोटा माणस बनी जाय छे। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती। हवे भारत सामे सौथी मोटो पड़कार क्यो छे? तो ईस्वीसन 2020 सुधी देशने एक विकसित राष्ट्र बनावीने पोताना एक अबज नागरिकोने सुखी करवानुं काम ज आजे आपणी सामे सौथी मोटो पड़कार छे। देशमां पर्याप्त युवा शक्ति अने पर्याप्त संसाधन होवाथी आ पड़कारनो सामनो करवानुं काम मुश्किल नथी। बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निवारण। હવે વધતી જતી વસ્તી ઉપર કાબૂ અને બેકારીનું નિવારણ કેવી રીતે કરવું? તો ડૉક્ટર કલામ છે એ કહે છે કે કલામ અનુસાર સ્ત્રી શિક્ષાનો વિસ્તાર નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબની માન્યતા અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ઉદ્યોગ ધંધાની સ્થાપનાથી વધતી જતી વસ્તી પર મેળવી શકાશે અને બેકારી પણ દૂર થશે। નેતાઓ કિસ્સી। તો નેતાઓને બોધ કેવો આપે છે? તો આપણા નેતાઓ એ કઠોર પરિશ્રમ અને પોતાના ઉત્કૃષ્ટ તેમજ પારદર્શક કામો દ્વારા લોકોનો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ। તેમણે ગરીબીની રેખી નીચે જીવતા લોકોની ઉન્નતિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। સેના મેં મહિલાઓ કી બરાબરી। તો કલામ છે એ મહિલાઓ કી બરાબરી કે લીએ ક્યા કહેતે હૈ? ભારતીય સેનામાં પુરુષો અને મહિલાઓની નિયુક્તિમાં ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી। આજે સેનામાં મહિલાઓ પણ ઉચ્ચ સ્તરીય સેવા પ્રદાન કરી રહી છે। તો આ રીતે અબ્દુલ કલામજી છે એ હંમેશા બાળકોના મનમાં જે આવેલા વિચારો